भले ही योगी सरकार प्रदेश में विकास के लाख दावे करती रहे, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला रामपुर के स्वार तहसील का है, जहां ग्रामीणों ने करीब 3 किलोमीटर की सड़क को खुद ही बना दिया। बताया जा रहा है कि स्वार तहसील की सड़क की हालत काफी खराब थी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायतें की, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही इस सड़क को बनाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 14 से लेकर अलीगंज मार्ग तक लगभग 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण खुद ही कर दिया। गांव के ही संदीप ने बताया कि सड़क बनाने के लिए करीब 100 से 150 ट्रॉली मिट्टी का भराव पिछले साल भी किया गया था। इस साल भी सभी ग्रामीणों के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके ये रोड बनाया गया है। मिट्टी डालने का भाई साहब ये कारण है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा ध्वस्त हो चुका है। ये हर साल डालते हम लोग चंदा इकट्ठा करके, पिछले साल भी करा था ये मिट्टी का भराव। बाकी ये है कि पिछले साल 100 से 150 ट्रॉली डाली थी इस रास्ते पे हमने। ये 10 गाँव का एक रास्ता है सिंगल। कौन से गांव का? ये गांव 14 से अलीगंज मार्ग है। हाँ जी, अच्छी। और ये पिछले साल भी 100-150 ट्रॉली डाली थी हमने यहाँ पर, और अब के वाले भी ग्रामीणों में सब भाइयों के संयोग से हमने ये चंदा इकट्ठा करके ये रास्ता सही करा है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायतें कर रखी हैं इसकी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपने और आगे नहीं बताया था अधिकारी लोगों को? हाँ, रिटर्न में पूर्व में पहले हम दे चुके हैं एप्लीकेशन वगैरह पोर्टल वगैरह पे दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम सब भाइयों के संयोग से, ग्रामीणों के संयोग से हमने ये आज रास्ता सही कराया। पिछले साल भी किया था, हर साल करते हैं, यानी 4-5 साल से लगातार ये कंटिन्यू चल रहा काम। दरअसल हर साल बारिश के कारण इस सड़क पर जल भराव हो जाता है। इस सड़क की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस सड़क से गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सर, यहां रास्ता बहुत खराब था। हमारे जो मेहमान आते हैं वो भी वापस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत, और कई बार हमने कह चुका है अधिकारियों को, एप्लीकेशन भी दिए, किसी ने सुन के राजी नहीं हुए। यहाँ पे निकलना खाली बहुत मुश्किल था। वाहन तो एक बहुत अलग की चीज़ है। तो सर, ये सब सहयोग चौहद्दा, कुंदनपुर, अलीगंज सब ने मिल के ही रास्ता बनाया। अच्छा, अपने ट्रैक्टरों से खुद ही मिट्टी डाल के अपने रास्ता बना रहा है? अपने वाहनों से, अपने पल्ले से डीजल फूंका है। अच्छा, सब अपने आप ही काम किया है। तो अब हर साल के साल करते हैं क्या? हर साल करते हैं, क्योंकि और व्यवस्था यहाँ कोई है नहीं, जिससे कहते हैं वो सुनकर राजी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी इस वजह से कोई रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते, कि वहाँ रास्ते नहीं है, तो हम क्या रिश्ते कराएं यहाँ पर। अच्छी। इससे हम लोग सब आपस में 3-4 गाँव इकट्ठे होने के बाद, और हम ये संजोग लेके सब आपस में डालते हैं। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा बनाई गई 3 किलोमीटर की सड़क चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन मामले में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।